हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। ये नोटिफिकेशन पूरा है, इसके माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आयु सीमा और कितनी सैलरी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग सैलरी देख सकते हैं, 30,000 रुपये मिलेगी और 10,000 और मिलेगा, मतलब 30,000 पारिश्रमिक मिलेगा और 10,000 प्रतिमाह भ्रमण के लिए। तो ये 40,000 सैलरी हो गई, 15,000 रुपये ये एक बार आपको टैबलेट के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और आपको ये भी बता देंगे कहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। तो और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षा शोधार्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। छात्र क्षेत्र आप लोग देख लीजिए, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संबद्ध क्षेत्र, वन, पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई टी, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस आदि, बैंकिंग, वित्त एवं राजस्व एवं कर राजस्व, लोक नीति एवं गवर्नेंस, ठीक। आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र भी विचारणीय होंगे। अब पात्रता इसमें देख लेते हैं। पात्रता जो है वो है प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी, मतलब न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता हो, मतलब 60% अंक होने चाहिए आपके स्नातक में। यहाँ पर हिंदी, देवनागरी लिपि, भाषा बोलने व लिखने में कुशल होना चाहिए। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषय के क्षेत्रों, लेख प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजना और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा, ठीक है। आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार कौशल भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए, ठीक। आयु सीमा क्या है? जब तक फॉर्म भरा जाए, आवेदन प्राप्त करने की तिथि को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक। 40 वर्ष तक की अगर आयु है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। भूमिका में उत्तरदायित्व क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकासखंड संलग्नक एक हेतु वित्त शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जाएगा, ठीक है। जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, उक्त कार्य संपादित किए जाने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा तथा टैबलेट क्रैक किए जाने हेतु उन्हें एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक। अब देखिए पारिश्रमिक देख लीजिए, सैलरी की जो बात होती है, फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, मतलब 30,000 ये और 10,000 ये दोनों प्रतिमाह मिलेंगे, तो 40,000 आप लोग मान लीजिए, ठीक। 40,000 प्रतिमाह मिलेगा आपको। साथ ही विभागीय योजनाओं कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय करने के लिए 15,000 रुपये एक मस्त मिलेगा, मतलब 15,000 रुपये एक बार आपको मिल जाएगा टैबलेट के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है संबद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थी की संबद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति, विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक। एक साल के लिए होगा, लेकिन अगर कार्य में अच्छे हुए और आवश्यकता को देखते हुए एक साल और बढ़ाया जा सकता है। अवकाश क्या है? अनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है। चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन वेबसाइट की विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण किस तरीके किया जाएगा? ये तो नॉर्मल परीक्षण होगा जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला, अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरांत हटा दिया जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेसी नियंत्रण, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर तथा एक नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता केवल स्नातक, न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। चौथा है आयु मानदंड, सभी आवेदन जो 40 वर्ष की आयु के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण, ठीक,
स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड नहीं किया गया, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब मूल्यांकन कैसा किया जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 नंबर का होगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के मानक निम्नवत हैं, क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। देखिए 50 नंबर के टोटल होगा, 50 में देखिए 25 ये उच्चतम शैक्षिक योग्यता, इसमें उच्चतम लिखा है ठीक है। अगर स्नातक हैं आपको 15 नंबर मिलेंगे, स्नातकोत्तर हैं तो 20 नंबर, और पीएचडी या पूर्ण थीसिस प्रस्तुत किया है तो यहाँ पे 25 नंबर मिलेंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो पीएचडी किए उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर वरीयता मिलेगी। फिर अन्य विधिक मानदंड में प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री ली है तो 3 नंबर, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध या कार्य लेख हैं तो भी 3 नंबर अन्य मिलेंगे यहाँ पर ठीक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार, इसके लिए भी 3 नंबर, संगठनों के साथ स्वयंसेवा, इसके लिए भी 3 नंबर, कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि, इसके लिए भी 3 नंबर, प्रासंगिक कार्य अनुभव में 10 नंबर के लिए यहाँ पर होगा। 10 नंबर में देखिए अगर 6 माह से 2 वर्ष कार्य किया है अनुभव है तो 5 नंबर मिलेंगे, 2 वर्ष से अधिक है तो 10 नंबर ठीक। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 25 नंबर ये हो गए उच्चतम शैक्षिक योग्यता के, अन्य विधिक मानदंड के 15 तो ये हो गए 40, और 10 नंबर ये प्रासंगिक कार्य अनुभव के, इसके आधार पर 50 नंबर का यहाँ पे योग बनेगा। इसके बाद होगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, 25 नंबर का होगा। इसमें क्या है यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण या एसओपी का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से स्कोर किया जाएगा ठीक। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम तो ये आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं इससे ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी, और यहाँ पर देखिए 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों 34 जनपदों की सूची, जिन जहाँ जहाँ ये मतलब वैकेंसी है ठीक है। अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, बांदा, महोबर, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, खीरी, हरदोई, सीतापुर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, कासगंज ठीक है। तो ये रहा पूरा एक तरीके से पूरा यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ से आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बस उसके बारे में जान लीजिए, आप लोग खुद ही कर लेंगे फिर आगे ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पे, देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है सीएम फेलोशिप प्रोग्राम ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ ये लिखी है यहाँ पर देख सकते हैं, cmfellowship.upsdc.gov.in, इसको आप लोग सर्च करेंगे और आप लोग सीधे ये पेज आपको मिल जाएगा ठीक है। और आपको जो आवेदन भरना फॉर्म भरना है आपको वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिशा निर्देश ये लिखे हैं, इसको पढ़ने के बाद नीचे आप लोग आइए, पढ़ने के बाद पूरा ठीक है। जब पूरा पढ़ने के बाद आएंगे तो यहाँ पर लिखा आई हैव रीड ऑल टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे, यहाँ पर सही का निशान यहाँ पर लग जाएगा, फिर प्रोसीड कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। आप लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई जानकारी आपको इससे संबंधित और चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो इसका जो PDF है वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर लीजिए ठीक है। और वैसे मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं एक बार ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।